हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू योर मराठी लेक्चर। आज जो है हम लेसन नंबर 25 करने वाले हैं, पाठ क्रमांक 25, शाड़ेतिल एक दिवस यानी स्कूल का एक दिन। ठीक है, मैं पहले आपको लेसन का जो है रीडिंग कराऊंगी, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, और उसके बाद हम ट्रेक्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, एक नोटबुक एक्टिविटी भी करेंगे। तो इतना सब कुछ होने वाला है, बट आपको याद रखना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि इसके बाद एक और एक वीडियो आने वाला है आपकी लर्निंग के लिए। ठीक है, सो रेडी क्लास थर्ड, हम इस रीडिंग को करेंगे, आप भी मेरे साथ रीडिंग करने वाले हो। ठीक है, आई का मना यानी सुनो और बोलो। आज शाड़े धमाल जाली। आज क्या हुआ, स्कूल में बहुत धमाल हुआ। आमे खूब कमाल के लिए, हमने बहुत ही कमाल किया। आज सकाळी क्रिकेट का सामना झाला, सुबह जो था वो क्रिकेट हुई दो टीम के बीच में। दीपाली ने अचूक गोलंदाजी के लिए, दीपाली जो है उसने जो है परफेक्ट बॉलिंग की। रिया ने दोन षटकार मारले, रिया ने दो सेंचुरी बनाई। आम्ही आणि आमचा संघ जिंकला, और हमारा टीम जो था वो जीत गया। दुपारी मुला मुलींसाठी रंगोली स्पर्धा होती, फिर दोपहर में है लड़के और लड़कियों के लिए रंगोली का कंपटीशन था। रितेश ने जिराफ से चित्र काट ले, रितेश ने जो था वो जिराफ का ड्राइंग बनाया यानी इमेज बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। रितेश ने जिराफ से चित्र काट ले, बबीता ने दीवा काट ला। बबीता ने क्या बनाया, ये दिया आप देख सकते हो, ये दिया को बनाया। कविता ने बदक काट ले, कविता ने क्या बनाया, बदक बनाया, बदक का ड्राइंग किया रंगोली से। जीतू ने षटकोनात रंगोली काट ली, और जीतू ने जो था वो षटकोन में रंगोली भरी। सगले पाहुणांची वाट पाहू लागले, फिर सब जो है जो गेस्ट आने वाले थे उनका वेट करने लगे। रंगोल्या पाहिल्या, और फिर सबकी सॉरी पाहुणे रिक्शा ने आले, पाहुणे यानी जो गेस्ट थे वो रिक्शे से आए। रंगोल्या पाहिल्या, फिर सबने रंगोली देखी। सगळ्यांचं कौतुक केले, सबकी तारीफें की गई, अप्रिशिएट किया गया सबको। आज दिवस मजे केला, और ऐसे ही आज का दिन जो था वो बहुत एंजॉय किया। आप भी एंजॉय करते हो ना जब क्लास में कोई एक्टिविटी होती है। तो ये था हमारा जो ये लेसन शाळेतील एक दिवस यानी स्कूल में एक दिन। मैं जो है एक और एक बार इसकी रीडिंग अच्छे से करके आपको देती हूँ। आज शाळेत धमाल झाली, आम्ही खूप कमाल केली। सकाळी क्रिकेटचा सामना झाला, दीपाली ने अचूक गोलंदाजी केली। रिया ने दोन षटकार मारले आणि आमचा संघ जिंकला। दुपारी मुला मुलींसाठी रंगोळी स्पर्धा होती। रितेश ने जिराफचा चित्र काढले, बबीता ने दिवा काढला, कविता ने बदक काढले, जीतू ने षटकोनात रंगोळी काढली। सगळे पाहुण्यांची वाट पाहू लागले, पाहुणे रिक्षाने आले, रांगोळ्या पाहिल्या, सगळ्यांचे कौतुक केले, आजचा दिवस मजेत गेला। ठीक है, इसको आपको रीड आउट करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है। अब हम जो है टेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे। पाहा ऐका म्हणा वाचा। जिराफ, दिवा, बदक, षटकोन, रिक्षा। जिराफ, दिवा, बदक, षटकोन, रिक्षा। शब्द ऐका म्हणा, शब्द को सुनना है और बोलना है। दिवस दीपाली, रिया षटकार, रितेश जिराफ, पबीता दीवा, बदक षटकोन, रिक्षा जीतू। शब्द ऐका, पहा सारख्या अक्षरांखाली रेग ओढ़ा, सारखी अक्षरे वाचा। तो यहाँ पर जो है नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उस वर्ड्स में जो लेटर जो अक्षर रिपीट हुए हैं उसके नीचे अंडरलाइन करना है। तो दिवस और दिवा में दी जो है वो रिपीट हुआ है तो हमने उसको अंडरलाइन किया। रिया रिक्शा रितेश, इसमें री जो है वो बार बार आया तो हमने उसको अंडरलाइन किया। जिराफ जीतू, इसमें ज और ई की मात्रा जी जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। षटकोन षटकार, श श यहाँ पे भी ये दो श और ट, षट शर्ट यहाँ पर भी शर्ट शर्ट जो है वो रिपीट हुआ है तो हमने इसको अंडरलाइन किया। बबीता बदक, यहाँ पे ब जो अक्षर है वो रिपीट हुआ है तो हमने इसको अंडरलाइन किया। ठीक है, अब हम पर दूसरे पेज में जाते हैं। ओके, लेट्स सी कि दूसरे नेक्स्ट पेज में कौन सी एक्टिविटी है। आई का पाहा वाचा, ठीक है, हमको जो है वो सुनना है, देखना है और रीड करना है। द पे ई की मात्रा, और ये कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा दी। र पे छोटी ई की मात्रा री, ज पे छोटी ई की मात्रा जी, श ब। पहा ऐका समझून घ्या वाचा, द ई दी, ये दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, दी। र ई री, ज ई जी,
श ई शी ब ई बी चित्र पहा नावेली हा। ठीक है, आपको ये इमेज को देखना है, जो मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं उनके नाम है मराठी में, आपको वो लिखना है। सैनिक, बदक, खराटा, खिड़की, बादली, मिर्ची। इसको हिंदी में जो है वो बाल्टी भी बोलते हैं, लेकिन मराठी में बादली बोलते हैं। अक्षर जुड़वा, शब्द बनवा, वाचा, उदाहरण नजर, मैदान। तो आपको इनको जोड़कर जो है वो शब्द बनाने हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। कड़ी, काली, केड़ी, पट, पाट, पाटी, पेटी, पोट, मड़, मार, माड़ा, मूड़ा, मूल, मोड़ी, सर, सार, सारा, सरी, सारी, दर, दार, दूर, दोर। ठीक है, आपको वैसे जैसे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, ऐसे आपको कुछ शब्द यहाँ पर बनाना है। जैसे यहाँ पे मैदान बन गया, और यहाँ पर क्या बन सकता है, दार हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, हार हो सकता है, और क्या हो सकता है, माल, वाज, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो कोशिश कीजिए वर्ड्स को बनाने की। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको ट्रेस करके वापस से लिखना है। ठीक है, तो जैसे द है, द को इस तरीके से ट्रेस करना है, फिर वापस से उसको यहाँ पर लिखना है। द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दे, दो, र, रा, री, री, रू, रू, रे, रे, रो, स, सा, सी, सी, सु, सु, से, से, से। यहाँ पे एक्चुअली ओ की मात्रा है, पर वो थोड़ा सा प्रिंट में नहीं आया है, तो सो। ख, खा, खी, खी, खु, खु, खे, खे, खो, व, वा, वी, वी, वु, वु, वे, वे, वो, व, बा, बी, बी, वु, वु, बे, वे, वो, क, का, की, कु, कु, के, कै, को, श, शा, शी, शी, शु, शु, शे, शे, शो। 12 खड़ी आपको याद आ गई, जो आपने क्लास सेकेंड में किया होगा। ठीक है, आपको इसको जो है वो रीड आउट करना है। अब हम जो है वो थोड़ा सा नोटबुक एक्टिविटी देख लेते हैं। ठीक है, नोटबुक एक्टिविटी में मैंने सबसे पहले शब्दार्थ रखा है, शब्द के जो है अर्थ यानी मीनिंग्स। दीवा, लैम्प, बदक, डक, षटकोण, हेक्सागन, स्पर्धा, कॉम्पिटिशन, जिंकने, टू विन, कौतुक, एप्रिसिएशन, धमाल, फन, संग, टीम, गोलंदाजी, बॉलिंग, अचूक, एक्यूरेट। ठीक है, तो मैंने इन सब के मीनिंग्स यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आया, लैम्प यानी जो बत्ती होती है वो, बदक यानी डक आपको ये अच्छे से पता होगा, षटकोण एक शेप का नाम है, हेक्सागन जैसे अभी हमने उस फोटो में देखा था टेक्स्ट बुक में, स्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन कोई चीज़ का जो है वो, कॉम्पिटिशन तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और अपने टैलेंट को शो करते हैं और उसमें जो है कंपटीशन रखा जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई जो जीत जाता है या कोई सीखता है बहुत कुछ, तो उसको बोलते हैं स्पर्धा। ठीक है, जिंकने, टू विन, कौतुक, एप्रिसिएशन यानी तारीफ़ करना, जिंकने, टू विन यानी जीतना, और यहाँ पे अप्रिसिएशन तारीफ़ करना, धमाल, फन, मज़ा करना, संग जो है वो टीम को बोलते हैं। ठीक है, गोलंदाजी यानी बॉलिंग करना, अचूक, एक्यूरेट यानी बहुत ही सही, परफेक्ट। ठीक है, रिका में जाकी भरा, यहाँ पे द, और यहाँ पे मैंने क्या किया, दी दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, ई, यानी छोटी ई का क्या आना चाहिए, बेसिकली ये ऑप्शन आना चाहिए, तो दी। ज प्लस ओ, जो। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से आना चाहिए, तो ये जो बन जाता है। श पे आई लगाएंगे तो ये हो जाएगा शय, ज पे ई लगाएंगे तो ये हो जाएगा झी, र पे ए लगाएंगे तो रे, ब पे ऊ बू, श अधिक ऊ शु, द अधिक ओ दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, जो लेसन से मैंने लिया है, प्रश्नां से उत्तरे लिहा। प्रश्न पहला, शाळेत कोणत्या खेळाचा सामना झाला, स्कूल में जो है कौन से खेल जो है वो हुआ था, आमने सामने हुई थी दो टीम, तो वो क्रिकेट का मैच था, राइट, तो शाळेत क्रिकेट हा खेळाचा सामना झाला। रंगोळीची स्पर्धा कोणासाठी होती, रंगोळी की जो कॉम्पिटिशन थी वो किसके लिए थी, रंगोळीची स्पर्धा मुला मुलींसाठी होती, यानी लड़के और लड़कियों के लिए थी, रंगोळी की कॉम्पिटिशन लड़के लड़कियों के लिए थी।
ठीक है। प्रश्न दोन, पाहुणे कोणत्या वाहनातून आले, पाहुणे जो थे या मेहमान जो थे वो कौन सी गाड़ी से आए, पाहुणे रिक्शा ने आले, पाहुणे जो थे वो ऑटो से आए। मुलांचा दिवस कसा गेला, जो बच्चों का जो दिन था वो कैसा गया, मुलांचा दिवस मजेत केला, यानी बहुत ही मजा किया सबने, ठीक है। तो ये था नोटबुक एक्टिविटी और हमने जो है आपको टेक्स्ट बुक एक्टिविटी भी करवा दी है। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा समझने के लिए। अगर आपकी कोई भी ऐसी डिमांड है लेक्चर को लेकर तो मुझे कमेंट में बिल्कुल मेंशन कीजिए वहाँ पर कि मैम हमको इस लेसन का वीडियो चाहिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आप जो है मराठी जो है अच्छे से समझे, ये ना हो कि आप सिर्फ बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। रीडिंग करनी है लेकिन समझ के रीडिंग करनी है, तभी आप किसी भाषा को सीख सकते हो। और क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो कीप लर्निंग मराठी विथ मी। और उसके लिए लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है और कोई वीडियो का जो है आपको सजेशन देना तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। थैंक यू क्लास, बाय।